नमस्कार दोस्तों, मैं किशन पाल। मैं आपको आज बताऊंगा अंडकोश यानी कि टेस्टिस की हर प्रकार की बीमारी को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं एक देसी नुस्खे के बारे में। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये जो है अंडकोश होते हैं, इनमें कई प्रकार की समस्या आ जाती है और ये आ जाती हैं, अचानक भी आ जाती हैं, थोड़ी मेहनत करने से भी आ जाती हैं, बहुत कारणों की वजह से ये समस्या आ जाती हैं। पहली समस्या तो ये है कि ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है जो कि अंडकोशों में पानी भर जाना, मतलब कि इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अगर आपके टेस्टिस में प्रॉब्लम है तो यानी कि अंडकोश में आपकी समस्या है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब आपको ये पता कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपके मतलब अंडकोश होते हैं उनमें सूजन होगी। अगर आपकी सूजन नहीं है तो दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो अंडकोश हैं छोटे बड़े हो सकते हैं, और तीसरी चीज़ छोटे बड़े भी नहीं हैं तो आपकी जो अंडकोशों हैं उसकी नसें होती हैं उनमें सूजन होगी या फिर वहाँ पे गुच्छे बनने होंगे, वो आप मतलब उसे स्पर्श करके छूने के बाद ही उसका पता लगा सकते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है कि आपके जो अंडकोश हैं उनमें साफ साफ हमें पता भी लगता है कि उनमें दर्द होता है और सूजन होती है। बहुत सारे केसों में तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से आपको जो है इसका ध्यान देना चाहिए। और इससे समस्या क्या आ सकती है, आपकी समस्या ही है, इससे सारी समस्या इससे ही है, क्योंकि जो मेल होते हैं मतलब पुरुष होते हैं उनका सिस्टम ही इससे चलता है। इसमें सोचने की और विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे आपका सिस्टम चलता है तो इससे आपको बहुत सारी समस्या आ सकती है। आजकल के जो नौजवान हैं उनमें ये समस्या ज़्यादातर देखी जा रही है, किसी कारणवश उनकी टेस्टिस में भी प्रॉब्लम है तो उन्हें चिपचिपा पानी या धात की समस्या ये ज़्यादातर इसी के कारण देखी जा रही है, मगर सब में नहीं, कुछ लोगों में ऐसा होता है। और इसका दूसरा कारण ये है कि आपको इरेक्शन की कमी होगी, मतलब कि आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपका मतलब सिस्टम सब दिख रहा है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, यानी कि चाहे जो नसों के गुच्छे बन रहे हों या फिर वहाँ गांठ बन रही हो, इस प्रकार से तो आपको इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। आप सोचते हैं कि ये नपुंसकता है, मगर ये और चीज़ है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपना जो है इलाज यानी ट्रीटमेंट आपको जल्द से जल्द कराना चाहिए। प्रॉब्लम है आपको अंडकोशों की, कोई भी प्रॉब्लम है यानी कि टेस्टिस की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, या छोटे हैं या बड़े हैं, और या दर्द होता है या गुच्छे हैं, नसें मतलब मोटी दिखती हैं या सूजन है उन पर, इस प्रकार की समस्या के लिए आपको जो है इसका इलाज जो है देसी तरीके से ही कराना चाहिए। यानी आप आपके करीब में जो देसी हकीम हो या फिर और बहुत सारे इसके ऑप्शन होते हैं, मतलब देसी नुस्खे वगैरह जो आपको सूट करे, इस प्रकार से आपको इसका इलाज करना चाहिए। ना कि आप जो है डायरेक्ट डॉक्टर के पास केवल जा सकते हैं अपनी मन की जो है शांति के लिए, जो कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के देख सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके बाद ही आप इसका इलाज कीजिए, वो भी सूट देसी तरीके से। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती क्यों है? प्रॉब्लम हमें अधिक बोझ उठाने के कारण यानी कि अधिक वजन उठाने के कारण भी आ सकती है। दूसरा कारण इसका ये है कि अधिक मतलब हस्तमैथुन वगैरह सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी आती है। और इसमें जो है तीसरा कारण ये भी देखा जा रहा है कि आपके अंदर शुक्राणुओं की कमी है यानी कि स्पर्म काउंट लो है, तो ये कमी आपको आ सकती है। और बहुत प्रकार की मतलब कि आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे मेहनत का काम करते हैं, इस वजह से भी ये कमी आ जाती है आपके टेस्टिस में, मतलब हर प्रकार की ये समस्या आ जाती है। जल्द से जल्द आपको इसका इलाज कराना चाहिए। और आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ये समस्या है, टेस्टिस की कोई समस्या है, अंडकोशों की कोई समस्या है, तो आप ये भारी काम बिल्कुल भी ना करें। कहने का मतलब ये है अधिक वजन ना उठाएं और रेस वगैरह डंड वगैरह मतलब एक्सरसाइज में जो करते हैं वो सब करना बंद कर दें, नहीं तो आपकी समस्या ये बहुत ऊँचे स्तर तक पहुँचेगी और आपको जीवन में बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखें। और चलिए अब जान लेते हैं इसके नुस्खे के बारे में, क्या इसके नुस्खे हैं और क्या इसके नुस्खों से फ़ायदा होता है। मगर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये नुस्खा आपको सूट ना करे तो आप इसका प्रयोग ना करें। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नुस्खा आपको कोई दिक्कत करता है तो आप इसका प्रयोग ना करें, केवल एक या दो दिन में ही आपको पता लग जाएगा। और वरना आपको ये सूट करता है तो यानी कि आपकी 7 से 10 दिन के अंदर ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब जिनको स्टार्ट हुई है उनकी मैं कह रहा हूँ इलाज करें। तो चलिए जानते हैं इसके लिए क्या आवश्यकता है। इसके लिए आप जानते भी होंगे, बस तरीका अलग है, औषधीय वही हैं कटीला, इसे कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, आप देख लीजिए ये कटीला होता है। और दूसरी चीज़ आपको काली मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी, तीसरी चीज़ आपको हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तीन चीज़ें आपको लेनी है, इसकी पत्तियाँ लेनी हैं और इसके खाने के भी प्रयोग बताऊँगा मैं। इनकी पत्तियों को जो है अच्छी तरीके से पीस लें, कटीला में जो है कांटे होते हैं तो उनको बिल्कुल भी कांटे इस प्रकार से नहीं रहें, बारीक करके इन्हें पीस लें। पीसने के बाद में जो काली मिर्च है उसे भी पीस लें, और जो हल्दी है वो हल्दी पाउडर फॉर्म में ही ले लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन तीनों को मिलाकर अच्छे से
मिलाने के बाद में इन्हें जो है अपने अंडकोशों पर लैप बनाकर लगाना है। कहने का मतलब यह है, लैप बनाकर लगाने के बाद कोई भी चीज़ से इन्हें बांध लें, जो कि आपको ये प्रयोग शाम के टाइम करना है, मतलब सोते टाइम करना है, और आपको सुबह को इसको खोल देना है। खोल के साफ करके नहा धोके अपने आराम से रहें, फिर दोबारा इसे शाम के टाइम में ही इसका प्रयोग करें। मगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इसका प्रयोग ना करें। दूसरी चीज़, लेप लगाने के साथ साथ हमें इसमें कुछ खाना भी है। खाना इसकी जड़ों को ही है, मतलब कि आप इसकी जड़ें ले लें, जड़ें लेने के बाद में और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च रख लें। अच्छा, आप इसकी जड़ें कितनी लेनी है, आपको 100 ग्राम इसकी जड़ें ले लें और इसमें 10 ग्राम काली मिर्ची की मात्रा रखें। 10 ग्राम से ज़्यादा काली मिर्च की मात्रा नहीं रखें, 100 ग्राम जड़ों में 10 ग्राम काली मिर्च की मात्रा के बाद में इन्हें अच्छी तरीके से पीस लें बारीक करके। अच्छा, आपको लेना कितना है, इसे खाना कितना है, इसको दिन में 2 टाइम खाना है और 4 ग्राम खाना है एक टाइम में, दूध या पानी के साथ में जैसा मर्जी करें आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं 7 से 10 दिन के अंदर आपकी समस्या ठीक हो जाएगी और ये नुस्खा आपको सूट करता है, तब फिर देखेंगे कि आपको एक बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, इसके लिए आपको सतावर चूर्ण अवश्य लें, मतलब सतावर चूर्ण को आपको अलग से लेना है और सतावर चूर्ण आपको रेगुलर खाना है इसके साथ साथ, मतलब इस नुस्खे के साथ में नहीं खाना है और आप जो है खाना खाने के बाद खा सकते हैं। इस प्रकार से सतावर चूर्ण का आपको प्रयोग जरूर करना है। अगर आप लंबे समय से कोई दवाई या मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं तो आप इसका प्रयोग ना करें, यानी कि आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी दिक्कत है तो आप लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको करना ही है तो किसी डॉक्टर या वैद्य के परामर्श से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये थी मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असली एवं सटीक है। सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।